महाराज पंडिताइन। हाँ भैया भगदर का मगर ले हुआ रहा। क्या तुम बता रही थी? एक बात सुनो महाराज, तू हम पर झूठी खूब खूब बोले भैया की आबादी की बढ़ाई दे महाराज। हाँ तुम हम पर कहते रहो हमारा कोई भैया ही नहीं, हम तो अकेले पैदा भेल अपने बाप महतारी के। अब एक जने बोल आए थे तो वो छोटे हम पंडित महाराज छोटे भैया हमारो हमारा कल छोटा भैया कोई नहीं महाराज कोई नहीं। हाँ यहाँ का हमने तीर पहुड़ा नहीं लो महाराज। एक लोग आए हैं वो एक आजरा पंडित छोटे भैया हैं सब मोहरा पर आओ। हाँ बाहर तो ना निकली निकली नहीं कहती बाहर तनिक देखे से बाहर निकली आई थी। मूड भीतर ही रहो मूड भीतर कर यहाँ बाहर रहो। तुमने जने गाड़ी मात दी कहा है महाराज है कहा वो देखा भाई से देखा सामने अब कुछ कहित नहीं ने। हाँ महाराज हाई बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करती थे हम पर कही तुम्हारे पंडित है 60 साल के तुम हो 16 साल के पंडित दे दो मुझ तुम्हारे पुड़िया और तुम चलो हमारे संग और उनका कह देते कई खबर को रसगुल्ला पर ये खुल्ला फिर तुम्हें करीब उल्ला पूरी मजा भरो खाई को और कुछ कही अब तुमने कुछ कही महाराज और कुछ ना कही है कहा देखा बैठे सामने देखो पैडिया ही नहीं कहती है ती हमारे की कही आओ वही मारे दुई लहू है बहुता दूसरो कोई हतो पंडित पांचो महाराज हम का कराए तू कुत्ता में भैया करो। अरे हम काली पांचो महाराज हमें पर कहा अरे अब काली चरण छुआई महाराज बजा रहे गेत अरे अब काली पाई छुआई महाराज सब्जी सब बिक गई तू भाटा ले आए लड़का बच्चा कई है एक धरो एक भत्ता कर लो ठीक है बिठाई दे पंडिताई तुम्हारे पंडित घुग्गा कहां पर। अरे मरी गुण तुम्हें नहीं मालूम नहीं नहीं मालूम हमारे पंडित महाराज ऊंचे सुनते हैं बहिला है। हाँ बहिला का ये मार डे तुम्हें कहा हमारे आदमी बहिला है देखो उनको एक पीठ एक घुग्गा पीठी में लोगो पीठी में घुग्गा है। अच्छा शंकर जी के तीन नेत्र और तुम्हारे महाराज के तीन घुग्गा एक घुग्गा पीठी पर लगो है घुग्गा जो कोई जो आज जाए जाए पाई पंडित पाई छुरा तो गुग्गा ही फटा रहो मरी गए ढूंढ के आज गुग्गा पाओ पंडित हमको पाए छो महाराज खुशी रहो आनंद ही करो खूब हमका चरण छो महाराज खुशी रहो जजमानी एक ही दोनों फुटेंगे गुटगुन गिर के बहुत तो तीसरे फुटेंगे दान कर चले बैल की पूछन देखाओ कन्या से कर भरे पुत्र को मुखन देखाओ दूध दही के दर्शन हो माठा मोल ले खाओ भरे चेतन लंघन करो बेटा तुम्हारी खूब कल लाती रहे पंडित उठाए के फेंक दी वो हत्यार बोलो हमारी कल लाती रहे लौड़े को मुहना देख लौड़िए को मुह देख गदहन के चले बैल की पूछन देख पंडित हो समाप हो सके दबा खाओ। अरे का पड़ियाई गरमानी पंडिताई पड़ियाई तुम्हारी पुरकस गरमानी है चलो कोई बात नहीं गर्मी का सीजन है तुम्हारी गप लगी कैसी गप नरवर धाम में महाराज प्रथम का आदेश है जा करके मेरे
मन पूछ हमारे गंगा विज्ञानी को तत्काल महल में बुला के लाओ। नहीं जा पाऊंगा। काहे महाराज बात का, चलते तुम्हारे साथ में है बस। हाँ लेकिन जिस बात में लेकिन किंतु मरत परंतु अगर मगर लग जाती है वो बात खराब हो जाती है। कहीं हट जा तो पंडित, मैं चलने के लिए तुम्हारे साथ में है बस, तैयार हूँ, लेकिन मैं जा नहीं पाऊंगा क्योंकि कल गौना लेकर के आया हूँ। कल गौना लेकर के आया हूँ तो मैं कहीं जाता हूँ। हाँ जले हम पंडितानी की लेना ही नहीं। अच्छा का अच्छा का तिराई सल्ला था उसके। हाँ 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 नहीं तुम जाओ, हम ही आओ बैठे हमारी बेधारे अपने चक्कर में घूम आती। जब तक मैं पंडितायन की राय सलाह नहीं लूंगा तब तक मैं तुम्हारे साथ में नहीं चलूंगा। हमें नहीं थी, हमें नहीं नहीं जाए। तुम बैठ जाओ। हम बैठ गया। अब एक बात बताए यहाँ गुरु बाबा तो भूलिए गए। तुम शुरुआत में आए का तुमने पंडितायन में कही हम छोटे भैया पंडित भैया तुम्हारे और तुम्हें चलो बाखिर कोई बात नहीं। और तुमने पंडितान पर का कही और भैया अब कुछ चुनाई कही अब कहे तो बाजारो छिड़िया मकोना को मार दुखाए खाओ का। तुमने पंडितान पर कही कई पंडित की 60 साल की उम्र उन्हें देव छोड़ हमारे संग में चलो मंगलगंज खबई ही रसगुल्ला परी राव खुल्ला सवेरे करा मैं कुल्ला फिर तुम्हें करे उल्ला कितो बड़े भोसड़ी की छिनरा हो तुम। पंडित भैया हमारे कुछ राय कहे हमारी कोई याद ना है वैसे महलुआ चाहे जहां हमारे बावन लगे हमारी कोई याद ना है। पहले महरियों को शुद्ध कर ले। वाकई में एक ही नौकर के बेचारे कोई लागना है हमारी दाद मेहरुआ ही खराब है मेहरे हो पहले हम शुद्ध करें पर्याल। बहुत गर्म होता बात तुम पर हम खुशी हो बहुत हुए खुशी नहीं हो। देखो सर सर नरवर से प्रथम सिंह का धावन आया हुआ है उनका सख्त आदेश है मुझे मैं सर नरवर को जा रहा हूं। देखो महाराज जा हुआ हम पता नहीं अभी भाई तो जान देते जा बात महाराज क्यों हम भाई जान ना दे हम अकेले नहीं को ना लगे हम जाओ करे बात। अब महाराज क्या एक बात आप भूल रहे हो क्या महाराज हमारा कल ही गमनो ले आए। हाँ सुनो हमारे हैं अरे कल गवनवा बलमा ले आए दिलमा चैन उनाय हाय बलमा छोड़ी हमई ना जइयो पता नहीं धारो कहां से मर रहो आए ले दुल्हा हमारी अखियों को कजरा ना छूटो तो छोड़ के जाइ हो बलमुआ हम तब जरूर बलमा करी करी याद तुम्हारी ते मानो बात बलमा छोड़ी अकेले नहीं जाइयो और कल सवेरे लौट गया मैं मेरी नारी
आई तुम्हारो जीव समझा मई। अरे हम नहीं जन तुम्हें दीवो बलमुआ घर की सजिया न गईबो बलमा प्रेम से रसगुल्ला खबैबो। अरे शक्ति आधार महाराज को मई हुक्म यतुनी आई तेरी याद करी नहीं पैदो। अरे आजुका बलमा तुम बलम लैया बलमा मानो बत बलमा प्रेम से सजिया लगैबो। अरे चोलो जैबो नरबर का मेरी प्राणन प्यारी राजा सिक से पने निकारी। अरे रातिया केले बलमा हम नहीं सोइबो मेरी मनियो बात मेरे छोरी बलमुआ न जइयो। ए बंद कर दे तो महाराज हम मनियो को मना जांदी वो कतई न जांदी मान कर ही आबो। हां महाराज वाली बात है फिर हुई गो गुण को तुम्हारी ना कितनी ना लगी हम जान लेते हैं तुम्हें। मेरी बात मानो हम ना मन में कतई ना मन में कतई ना मन में समझो करे बार राजा साहब मन वो हम तनिकव ना जान दी वो राजा साहब का आदेश है अगर जाऊंगा नहीं हम उनके सिक में रहते हैं वो मुझे निकाल देंगे। तुम्हारी हमारी बात बने को राजा साहब के बनी है। अरे बात बात है मानी मेहरुआ की जाती मानी मानी राजा साहब के यहीं आओ। हां तुम बात मान जाओ और कल सवेरे आ जाएं करके समझो करे हम ना यहां हम ना तनिक ना जान दी वो कतई ना जान दी वो हम कतई नहीं को ना लगे दाती वकील बहुत डर लगते मैं चलो जान दे हम तनिक ना जान दी वो हमारी सुनो मेरी मेरी बात मानो मुझे आज्ञा दे दो। देखो अभी मैं खुशामद कर रहा हूँ मुझे आज्ञा दे दो मैं जाऊंगा और कल सवेरे घर के लौट आई वो दाम दक्षिणा ले वो दाम दक्षिणा ले वो समझो करे बात का जाए ठीक रहो जले जले जो नौकर आओ तले हमारो घर को घर जरो नपोरा ना उपरो मेहरू नाराज ही गई अब अकेले सर नाराजी में जाता हूं ना ही बंद दिखा मानो भैया मट्टी को तेल छिड़क ले की लटकी रही मेहरुआ तो थे हमारी पतिव्रता है। नैनन की काशीपुरी जाई कले जो चीर खान पान भावे नहीं दुर्लभ हो तो शरीर दुर्लभ हो तो शरीर चित्त में चैन में आवे खान पान रस रंग सो मन हो नहीं भावे कै गिरधर कविराई करई जो बिना बिचारे फिर काहे पछताई काम जो अपने आप बिगारे। प्यारी प्यारी प्रीति करी जब से पंडितानी के नहीं रहे प्यारी प्रीति करी जब से तब से नाई अंगमयंगुमिया बनाई देती हम मन डराई जाती अरे
जारी प्रति दिनों जारी प्रति दिनों जारी प्रीति करी प्रति दिनों जारी तुम ना हकन घर के लोग हंसौती जिंदा पाई जरूर पर कुछ रखी बेना कर रहे हैं बताई दे बात महाराज रास्ता देख रहे होंगे देखाई देव अब घर में तुम लड़ाई मची आ देखो आज रहन देव आज रात सुहाग राती है मेरी बात सुन नहीं आज ना तने को जान देवो हम मेरी बात मान लो मालिका ने अरे मैंने पहले से कही मैंने पहले से कही तुमने काहे ना दई ये कोई गलत बात नहीं तुम लोग समझ रहे हो कोई गलत बात मेरे पढ़े लिखे सज्जन बैठे हैं मेरी माँ बहन बैठी हैं ये कबीर पंथी भजन है अगर इसके अर्थ निकाले जाए तो बहुत गंभीर होंगे या बाप मैंने पहले से कही हाँ तुमने कहे ना दई काहे काहे कजरा के ऊपर बिंदिया काहे लाई दई हमने पहले से कही मैंने पहले से कही तुमने कहे ना दई कजरा के ऊपर बिंदिया काहे लाई दई यार भाई बतिजे बात सबका भेज दई माता पिता यार भाई बतिजे बात सबका भेज दई माता पिता यार भाई बतिजे बात सबका भेज दई माता पिता यार भाई बतिजे बात सबका भेज दई सैया मेरे चल में कबारी अब बरा छोड़ दई गोरिया पहले से कई जरा के ऊपर बिंदिया काहे लाई दई सावन नदिया यगम बहती एक बोझा जाती सही 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 के बटिया एक बजा लाली अब बड़ा डूब गई गोरिया ऐसे कही जरा के ऊपर बंदिया काहे लाई दई अंगन मंगन की चादर बिछाई दई धरती सहज गई अंगन मंगन की चादर बिछाई दई धरती सहज गई
मगन मंगल पिंच गुर बिछाई दई धर तिल से जगई मगन मगन पिंच गुर बिछाई दई धर तिल से जगई साथ कबीर सुनाओ मैं संतों सा सही टूट गई गोरिया पहले से कही अजरा के ऊपर बंदिया तारे महल बंद कर दो तू झगड़ा मचाए यहाँ राजाओं वाली बात मैं जा रहा हूँ सुनती ना हाय चले जाई हो बेदर्दी हमरे हो मरी वो चले कल सुबह में लौट आऊंगा यही है जरूरत मनी है ना है भाई देखो राजन वाली बात हां ठीक महाराज ऐसे ना जल्दी हो हमारी एक शर्त है क्या हमारे चीज लिए चीज अरे हां तुम तुम्हारे लिए केलक फली ले वो इधर सेव बहुत सस्ते हो नार तुम्हारे लिए ले वो महाराज ओ पति महाराज बोलो बोलो हमारे लिए मत का ले आओ हमारे लिए सीरा लिए सीरा इन्हें छो दिन लग भाई तो 50 लबोरी शक्कर गरमा करे शक्कर कोई आगे मांगना भाई कहते हो मारी आगे बुत गई तो हमारी आगे बुती गई अब सुनाऊं हाँ, कोई काहे बीड़ी लगेबो आगे दे दे के पहली बात हमारी टट्टी टिफिन बाहर अकेले जइयो ना घर में फिल्ली हो अकेले जइयो ना चूल्हे में बैठ के फिल्ली और लौट के मई उठा के डाक दे आए चूल्हे में तुम आगे आगे धरी आओ और पंडित ही सब लौट के खाए करे हिले सारे ना इसोला जवाओ पूछा ना
हम समझाओ थे तले समझाए पाओ थे तले जब फरो आगे लगाई देते महाराज। हाँ ठीक जा चीज ले जो हमारे लिए लाड बहुत मौको महाराज हमारे लस्सी ने दूध वाली लस्सी ने लस्सी सब चिल लगी सब चीज चलो चलो इधर गए तो ले यार भूत वाले कोई इधर प्रेमियों कहानी सुनने होग इधर पंडित जी जा रहे हैं शहर नरवर की रास्ता पे साथ में मंत्री है मंत्री चले अरे पदमा ने कही पतिलाखन सही पदमाल कई पतिलाखन सही पर उरी को बिया बुझाई पिया जाइयो तुम सगरी चिड़ैया उड़ाई पिया जाइयो पिया चलाई मेरे वंगू चिड़ैया पपली बुझाई पिया जाइयो कहाँ मालिक पदमा बदको चक्कर धारी कनौजी राय फेंक के चक्र ला खनिले मारो पियला गिरो करौ जराई पाऊ को अटलाई राज कनऊ जी प्यार देख के दिए नारो बन लागे दाखिल हुई गए उदय सिनराय पलट के जवाब तो तू बन ले सुन ले मित्र मेरे कनऊ जी प्यार कहा मान के भौजाई तो अपना कला सत्यानाश जिनके घर मान मेरा राजू है उनको आ जाओ लगते ठिकान होना महाराज जाकर के महाराज से कह देना ज्ञानी पंडित जी आ चुके हैं। ठीक है मैं इसीलिए आया हूं। महाराज जी जय गोपाल की वरियार में मिल लूंगा आ चुके हैं महाराज। महाराज मैंने कहा चरण आशीर्वाद कहिए राजन। पंडित जी किस लिए आपने बुलाया? आप पत्रा को ले आए हैं? यानी पत्रा लेकर के आया हूं। राजा प्रथम ने इसलिए बुलवाया था उनकी कोई आस औलाद नहीं थी। हाथ जोड़ विनती करूं ज्ञान झुक चरण दबाऊं से पत्रा बंगला में देखो पंडित जी पैया परूतवा क्या देखूं? क्या रखा पापा मने
पंडित करे एक बाल कनाय निरवंशी बजे नर मरना। ओ देख रहा हूं गरम गतिनाय पंडित बचे मुसमाजे राजन अरे पावन गल हमारी कोई कमती नहीं औलाद के मारे दुखिया। मैंने वेद में देख लिया है, एक समय की बात है, राजन भरपूर जवान थे, रामदेव दुकानदार 10 रुपए व्यवहार दिए पार्टी को साधनवाद। अरे भरी जवानी मई राजन हते लाई के तीर कमान तुमने जंगल खेली सितरिया अरे हाथ जोड़ी हम विनती करे मेरे पंडित ज्ञानी बंगला मई बात बतैया। भरपूर जवान थे, हाथ में तीर कमान लेकर के जंगल को शिकार खेलने गए। तुम गए थे महाराज। अरे सारे जंगल ढूंढ फिरे तुम हिरना नाई राजन नजर में आओ। नहीं महाराज, पूरा जंगल छान मारा, तुम्हें कहीं हिरन नजर में नहीं आया। एक कोने पर पहुंचे, 7 हिरनिया बहुत सुंदर बैठी थी, उनमें एक हिरन था, 7 हिरनिया थी वो गर्भवती थी। उठाया तीर कमान चाहा, अरे दौड़ के हिरनी करी खुशामद धरी तीनों शीश राजन मेरे पति का नमरिया। हिरनिया रो रो के कहने लगी, राजन 7 हिरनियों में से किसी को मार लो, मेरा अकेला पति है, मेरे पति को मत मारना। अरे राजन तुमने दादिल कई नरकी करी दोष खार हाई नरकी करूंगा शिकार, मादा पे हाथ नहीं डालूंगा। उस दिन तुमने हिरनियों से बोला था महाराज। कहा था पंडित जी, जो अच्छी चीज होती है उसे हर शख्स देखा करते हैं, जो अच्छी चीज होती है उसे हर शख्स देखा करते हैं, जवानी का जो आलम है उसे शैतान कहते हैं। इंसान जब जवानी में आता है भरपूर, जवानी में चोरी करने लगता, जवानी में डकैतियां डालने लगता, जवानी में छिनाई करने लगता, जवानी में इंसान जो करने लगे वो थोड़ा ही नहीं। जवानी में हरुआ पर अम्मा ना कहने लगे थे। अरे लईके तीर कमलिया राजन हिरन निडारो, तब रोई रोई हिरनी बई बोली, हिरन को मार दिया। हिरनिया सभी गर्भवती थी, रोने लगी, तड़पने लगी, खून उसके शरीर से चल रहा था। अरे परी जवानी में करी दो राल राजन सुन ले, आई 7 किलो मेरो हिरना। 7 हिरनियों में अकेला मेरा पति था, तुमने भरी जवानी में मुझे राड बना दिया, तुमने हिरनियों की बात नहीं सुनी। उठाया हिरन घोड़े पे रख लिया, धीरे धीरे घोड़ा चल रहा था, हिरन के शरीर से खून टपक रहा था। हिरनिया पीछे पीछे आ रही थी, रो रो के कहने लगी, राजन ले जा रहे हो मेरे पति को,
मेरे पति का तुम इतनी तरस ना आओ। एक तुझे मैं श्राप देती हूँ राजन, अरे मेरे पति को घर में रानी जो खई ही मास दई रही मैं श्राप जन्म पाज हुई जई। यार जो मैं पंडित जनते मेरी जागत हुई तो नहीं हम हिर नहीं मोते। अरे मन से पाप राजन लगे पैसे लल्लाना तुम्हारे हुए नर धर्मा। यार कैसे पाप मेरे मुरे चितो होए मेरे पंडित ज्ञानी कैसे लल्ला मेरे हुई। राजन सुन लो लल्ला सात जलम लहू जय नाई। यार पेट मारी हम पंडित मरे बंगला के रोमक रोमक रोना थोड़ा छोड़ दो रहता। मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। एक ब्रह्म भोज भंडार करौली जो संत बुलाई तुम ज्ञानी पंडित बुलाऊ। जो जो कही मैं सब पर गरीब मेरे लल्ला पंडित जी नरमा। दुखी दलित्री जितना राजल तुम सब का बुलैया आई प्रेम से भजना खवैया। यार चले पंडित करई का मंदिर बंसी को पंडित मिटिया। चले राजन तुम्हारे नर धर्मा। महाराज ब्रह्म भोज भंडारा करो संत महात्मा बुलाओ ज्ञानी पंडित बुलाओ। मैं बुलाऊंगा महाराज। दुखी दरिद्री लोग बुलाओ सबकी खुशामद करके भोजन खिलाओ। लेकिन भोजन जब वो लोग खा चुके हो पत्तल अपने हाथ से ही उठाना। अगर तुमने पत्तल उनकी जूठी पत्तल नहीं उठाई तुम पुण्य के भागी नहीं होगे। अरे संत महात्मा मैं बोला भाई वो पगलवन ने उतार दे खबाई तरह बंदरा दे उसी से जी के साई की मिटाई मेरे बंदी ना। मैंने कहा संत महात्मा संत महात्मा अरे धीरे धीरे छोड़ दो दुनिया के जंजाल को जपो सिया राम को जपो राधे श्याम को। जंजाल को जपो सिया राम को जपो
खराबी लगी। देखे हम तुमको जगन्नाथन से चले बद्रीनाथन आए, बद्रीनाथन से दरिद्रीनाथन चलना है, दरिद्रीनाथन होकर के फिर हम तुमको हत्याहरण चलना है। चलो पहले भोज भंडारा, देश नरवर से निमंत्रण आया है, वहां भोजन भाव कर लेंगे, उसके बाद में घर के आगे को रमेंगे, मिश्रिक होते हुए नीम साथ निकलेंगे, है ना? पर करवा भी करना है। महात्मा जी, महाराज मेरी बात सुन ले। बोले पंडित जी, बोलिए। तुम कितने लोग हो? हम हैं दो चार लोग हैं, मूर्ति दो चार। नहीं, तुम आखिर तुम्हारे चेला कितने हैं? दो चेला है और एक तुम। एक मैं, तीन लोग हैं। तुम्हारे तीनों जन्नत के बीच में दर्द नहीं? हो सकते खाओ हो, हमारे हमारे तीनों के बीच में दर्द दिया। नाराज मत हो, मैंने कहा थाली है ये एक, तीनों जने बैठ जाओ, बीच में दर्द नहीं, उठाए उठाए रोटी खाई लो। आई से कहा तुम तो कहा तुम्हारे बीच में दर्द दे, लो आगे खाई लो, फिर उधर आ लिया भोजन आ रहा है, आगे का भोजन खा लीजिए और जब कम हो जाएगा तो और मैं रख दूंगा। बच्चा बैठ जाओ, अरे अरे साले पानी पीले कमंडल कहाँ डाल दिया? ओ मैं तो वहाँ नेपाल में भूल आया था, वो कालोनी पे मेरा कमंडल रह गया था, वहाँ से आ नहीं पाया नेपाल में। बच्चा मुँह खोलो, संत महात्माओं, इनका जन गुरु होगा उसे 500 रुपया इनाम में देंगे। हम गुरु कोई पहचान नहीं, हम गुरु। जब गुरु होगा उसके हम जवान काट लूंगा, कोई पहचान नहीं लग रही। दूध बता था भौजी कहां पेट भरान दे और जाए, जिस सोने के लोटा सन की थाली में भोजन खाए हैं, इस सोने के लोटा सोने की थाली अपने घर को लिए जाओ और गऊओं के 101 सोने के सिंह मढ़वा के मैं तुम्हें दान में देता हूँ। धन है, अपने वतन ले जाओ। धन है राजा, धन है दानी, ऐसा संसार में नहीं कोई हुआ।
जय हो राजा की, मांगो सो पाओ, मांगो सो पाओ, मैं बाबा देने वाला। बिन मांगे मोती मिले, मांगे न मिले भीख। आज राजा ने जान लिया अपने मन में। अब मैं इससे सवाल करूंगा, महात्मा जी बोलिए महाराज। नहीं चाहिए हमें कंचन माया, नहीं चाहिए भरी मोटर रुपया, ये रसुन मेरा लल्ला मेरे हो नरबर में मेरो नाव निरबंसी को मिटी गया। बाबा काट ले सब खेत। नहीं राजा साहेब, तुम बाबा राम रहीम के संगी हो। आई नहीं राम रहीम जेल में पड़े। नहीं नहीं हम आओ आए इंतजाम लगाइए का। तुम बाबा हम आए न वागे नहीं बाबा हम न वागे आए। गुरमीत बाबा राम रहीम के साथी हो महाराज। हजारों लोग अभी चेला छूटे हैं। हां छूटे राजा साहब। तुम बाबा नहीं ढोंगी बाबा हो। बाबा महाराज चेला लोगों लेट जाइए, गदरा फाड़ दीजिए इसके एक एक पकड़ के फाड़ो नोचो। ऐसी गलती नहीं करेंगे। चले गए
इधर आ जा, इधर आ जाओ, बैठ जा। चला लोगो, ये ढोंगी इसकी जटा उखाड़ दो, अब इसके इतनी मार लगाओ ताकि कभी जीवन में ये कभी ढोंगी बाबा किसी के यहाँ भंडारा भरने न जाए। अब हमारे लइयो बाबा के भाव, हमरा लइयो, हम लगाओ, हम लगा, बैठ गया चेला, ए तू चेला मार लगा, हमें काहे लइयो है, हमें काहे लइयो है, अब तू बैठ जा भगड़ वाले बाबा। गुरु महाराज अपने चेलों को नहीं, तू हट पीछे, हट जा, हट जा, इस चेला को अभी तुमने नया, इसे नया मुड़ा है, ये फट्टा बाबा है, काल कहो नहीं रखो, इधर आ जा, इससे कहो चेला लोग, कहो ऐसा हम कभी चेला नहीं मोड़ेंगे, ऐसा ऐसा चेला हम कभी नहीं मोड़ेंगे। महाराज लेट जाओ, बैठ जा, इधर आओ, अरे इधर आ जा, इधर आ जाओ, तू इधर आ जा, महात्मा लोग पीछे घूमो, तू भी आ जा, यहीं पे आओ, तू भी यहां, गुरुजी महाराज इन चेला लोगों की दोनों की सवारी पे पहुंच कर मुझे यात्रा कराओ, यात्रा बढ़िया, चल बैठ। प्रेमियों समुद्र मंथन हुआ था, 14 रत्न निकले थे लक्ष्मी जी ने, उसी में अमृत बम मदिरा काम भी उगाए, बड़ी बड़ी ये सभी निकल के मान में लक्ष्मी जी ने देवताओं का न्योता किया था, अमृत बांटा था, एक विष्णु भगवान की नजर पड़ गई, उसमें राक्षस बैठ गए, विष्णु भगवान ने देखा नजर पड़ गई, अमर हो जाएगा संसार में कुछ नहीं रखे, उठाया फरसा उसके मार दिया, कौन दो हो गया राहु और राहु के जिसपे अभी लग जाता उसे नष्ट नामूद कर देता, और माँ के चेला है मुझे माँ देखती है 12 साल के तारे लगा जाती महाराज राजा, चलो इनकी बैठ इधर, बैठ जाओ, सवारी सवारी करो इनकी, तो भी और इधर इसके ऊपर तीनों लोग बैठो, इधर नीचे गद्दों से डाल मोड़, माँ ने तारे लगा लिए, सवारी जाओ और तुम झूमते हुए जाओ मस्ती में, नहीं नहीं इस समय नाचते हुए जाओ, खुशियां मनाते हुए, श्रीमान जी आदि हमारे खुद मालिक से विलम्ब निवेदन है, माँ की झांकी पहले ले ले आके, हाँ आपसे मेरी निवेदन है माँ की झांकी ले ले, हाँ भाई आरती ले ले आके,
सारी माँ की आरती ले ले, माँ की आरती। भाई जिस सज्जन को आजाद फतिमा की रात दरबार में जिसे आरती लेना है वो माता जी की आरती ले सकता है। अर थाली में जगमग हो आरती, चोरी थाली में हो आरती। बेचारे मजबूर होते हैं तो फिर वंदना करते हैं। अरे द्वारे तुहारे वही भीड़ हो जगदम्बे माता, yeah।
उड़ी का काया बे वो जगदम्बे माता उड़ी का काया घर तुहारे बड़ी भी रहो जगदम्बे माता मैया दुआरे के यंदा पुकारे मैया दुआरे के यंदा पुकारे यंदा कन्ने में दैवे वो जगदम्बे माता यंदा कन्ने में द्वार तुहार है बड़ी भीड़ हो जगदम्बे माता द्वार तुहारे मैया दुआरे के बाजी मैया दुआरे के बाजी पारे बाजरी की गोद भरी दे वो जगदम्बे माता बाजरी की गोद भरी दे जगदम्बे माता अरे तुहारे बड़ी भीड़ हो जगदम्बे माता बोल तुझे मैया की बोलो सच्चे दरबार की। अब आज माँ के तारे खुल जाते हमारे भक्त गणों पे कोई मुसीबत है तो माँ देखिए क्या अपने भक्त गणों से बात करती है। क्या मुसीबत पर क्या बात है? अरे बहुत मुसीबत पर गया। कौन सी मुसीबत? अम्मा हाँ हाँ हमने ने उल्टा खाई लो। अरे किसके यहाँ? नरबरमर देश नरबरमर राजा प्रथम के यहाँ वह निमंत्रण खा लिया। वो खुश हो गया राजा प्रसन्न हो गया। हमने कहा मांगो सो पाओ। उसने कहा हमको बालक दो। अरे नहीं बेटा सात जन्म तक बालक नहीं। हाँ तो मरवाई दो। अरे गोली काट लो फिर मारो भैया। आगो देखिए आज राहु को बासमती के चावल में पढ़ के दे देती है संतान वाला चावल एक और बकाया कहती है ले लो जा हवन कुंड से। लीजिए बेटा। अम्मा जल्दी में देओ। लो आई हमें हल दियो। अरे अम्मा और ये कम पर ही हुआ मेहरुआ बहुत ही है के अम्मा उन्हें कह दे हवन कुंड से। हवन कुंड अम्मा को कहां पर है गहिरो है का हमें लगे देख ही था फिर पटाऊ तो गड़प तो गिर ही जाए भीतर। भैया मिलप के भल्ले हो जाए हमारे कुंड जब हमारे कुंड कहाँ गा चेला चेला जल्दी ने महाराज लो महाराज आराम से। अच्छा महात्मा जी जय सीताराम। अरे नहीं सीताराम हम करेंगे ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए आप हमारे ईश्वर के समान। सीताराम हम करेंगे तुम मत करो। हम थोड़ा ही कर रहे सीताराम हमारी फटी कर रही सीताराम। आज तैसी तैसी में गया टीका राम जहुले दंड कमंडल जहुले कंठी माला सीख बगे बस याद से बाबा गिरी है बंद। हाँ संचत नरबर गो ये रनियन खबाइब मेरा नाम निरबल सी कमिटी यो अरे मना कामना मेरी पूरे हो लल्लाई जाय तानल प्रजा लगई। उधर से राजा को समझा रहे हैं ये और उधर से रानियों ने मतो बिचारा घर के पालम खत्म हो गए होंगे चलो चिड़िया बिछिया उतार दे घाट पे आती। इधर से राजा को समझाते हैं तो घाट पे ही रानियों का और राजा का मिलाप हो जाता। अरे पितली रानिया नरा बड़ा की बोई दौरत जा रही चलो चुरिया बिछिया उतार
मैं मसरी राजाई नरवर मैया काला उबल मको घाट परी अरे करौ न ढेरी होती है बेरी बहनी सुन ली जाओ तुम सुरी जाता नो बोलवा बाबा अबे आए रहे करनो जिया बहनी साथ साथ घरी को होत हाँ पता नहीं महाराज सिया लफड़े ने खाई डाल रही आज 12 साल की बच्ची हुई गे घूमे के नहीं आए हाँ अरे बहुत दिन ना जाय बीत गए मेरी बहना सुनियो मेरे बलम पिया नहीं आए अरे जो नहीं बलमा आई बहनी जाय करनो बहनी इनका बहनी लिया बुलवाई अरे कहते जी अरवा मा आई जी आवे मेरी कनो जिया चलो चल के घाटू कर बिटिया ओ आई आई गई तुम हो बिटिया हाँ हमारा दिवर राय गए फेटी कोटू भेजी गो मिडिया बलवा कौ रहे नए खर्च हुई गए और बदमाश और चलो चुनिया मिथिया उतारी आवई नहीं हमारी का आइया देख सात सात घरी को होती करे अब बिना आदमी भाई नी को लगती नहीं अब तुम जुगाड़ बताबो जी सब बहनी के मुती का करे का न करे बच्ची कोई कर ले करौनो कोई कर ले धरौनो कोई कोई संग जाओ भाज अब भाज कम जारी और हम ता साली कराम का तक अच्छा हमारी तो रोजी रोटी चली ही खूब बात सुनो अब जय घाट हुआ को पहले उताल हां पहले घाट उकराओ बैठ बैठ हां घाट उकर ले अरे हमें चाहिए मरे महाराज अरे जोराई हाथ माई पैया पकड़ मेरे बलवा नगीना हम कन्नो लड़के और लाल कन्हैया तेरी बहुत गरीबो मैं डरबो खोरी तुझने बजम कर अरे गलती की माफी देहू बलमुआ ऐसे करबो नहीं बलमा जब तक जीवन दुनिया में यारे दुनिया यूती भाई तुम्हारा यूती बड़ी बड़ी लड़ाई थी सबसे छोटी लड़िया अरे अपनो समुद के क्षमा कर दे वाला वेले दुल्हा ऐसी गलती फिर नहीं अरे ले मरी रनिया ऐसी अरे लई आए चीज है हम लल्ला पैदा हो गई और तौता बलमा हम का दे हम बहुत लड़ाई थी हम कंठ की कठुला तुम्हारे तुम अपनी उम्र औकात देखो बिटिया तुम नाई जेल पई हो पोत जय हमहे जेल पई ही खुराक संतान बाला के बल एक ही चावल था पकाया मिले थे आज सबने ले तुरी आंखों देखे चेतरा मुख देखे बिहार और वही फेंक देती कहती जी जी इतने देरियन मटुकेन तो धान खो जा रहे धान कूट कूट खा जा रहे मुसरिया ना पैदा बात है सोचो हाथी लेके बच्चा फेंकने के बाद में डेली मंझा को जो दे जाते थे वो फेंक देती थी याद कहती लगी बाजार किस्मत की जहाँ हर एक चीज बिकती है लगी बाजार किस्मत की जहाँ हर एक चीज बिकती है लेकिन जिसके मुकद्दर में उसी को संतान वाला चावल उसी में चला जाता
गर्भ से मंझाई होगी, फिर बिचारी का वनवास करवाया जाएगा। ओ छुपाया वो पापा, अरे ना 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 बोल पापा केरा की छिया रहा है। ले 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 भैया दूध, ले दूध पी ले। अरे मेहरुआ दूध लाई दावत इनाई खहित का खेत हम बिना बेच बे सारो डारे साथ फसल काट दे भैया इनाई खाई आओ तब लल्ला पैदा हुई। अब हम कहे जाओ पुरमुला थी हमारे तीरा ते हमारी दूध दबा। हाय पति मारे ये देखिए किस प्रकार से रानिया आज उस मंझावती को वो बढ़ोर के चावल ले जाती हैं और चावल संतान वाला उसी में बढ़ोर के चला जाता है। अपने पति की दी हुई अमानत वो प्रेम से खाती तो गर्भ से मंझाई होगी। बिटिया वो दिया हमने सही करना बखारी और वो भुधौरी खाए के उड़ाइए न पर पोकी मारो कमाऊ लौड़ा लौड़िया की डकार लाई आई और जो आदमी कैसे बिजानो है कादी ने जो न खाए लौड़ा हुई बदमाश हाँ तुम चली जाओ जाओ दरिया जाओ हेलो। अरे रैया न पैया न दैया जाई रही बाली बाली चलती मरोरा चाल आधी उड़निया बांधी सर पर डारे आधी गली बढ़ा रती जाए हाथ जोड़ के बांधी पहुंची बांधी करती है कौन से काम महारानी जी की जय जयकार हो आशीर्वाद है बांधी महारानी जी। हाँ घर के महाराज आए हैं तुम्हारे लिए प्रसाद लेके आए हैं। मेरे महाराज जी आए के नरभर को आ चुके हैं। जब प्रसाद ला चावल है जे खा लियो बनाए के रहे लाइयो इधर मंजल सोचने लगी बहन हाँ तुम नित जो साफ करके लाती थी आज मिट्टी वाले चावल क्यों लाई हो। अरे बहन मैं भागती हुई आ रही थी रास्ते में फैल गए इसीलिए इसमें मट्टी मिली है। ठीक है बैठ जाइए ठीक है वहां। इधर मंजा सोचने लगी अपनी पति की दुई अमानत खा लेती है मंजा गर्भ से हो जाती है। फलो अरे गर्भ के मारे मंजैनी दसतावई आई गर्भ के मारे मंजैनी दसतावई बहुदे बासु पर्वती परो धौरा पई आई मंजा सोई गई गोड़ा पसार बाई उड़ी उड़ी चिड़ैया गिरही नांदना मई बैठे किरण चिड़ैया गिरही नांदना मा आई मन गई कोई परवाही नहीं आई मन जा रानी बा मन मन सोचई आई अब तौरा आज बदो नरवर को आई मन जा प्रति है कौन सही काम चढ़ुआ लैलो होले लालो
जहाँ कौन सैताब आधी ओढ़लिया सिर पर जाए, अरे आधी गलिया बढ़ोरत जाए, अरे जऊ पग जा रही बहु पग जा रही बांदी चलती चितुरिया चाली सकती आजर सुरजा बहनी को, और रेती पादली को जाए बुआई को, आहु मन है करा बुआ समान तुम जाए, वो अरे बांदी खड़ी फाचक फलाई, अरे एक तीन रानी साहब आज कैसे अनमन धनमन परी हो बहन, आज कैसे कवर रो परो, आज बात क्या मैं तुम्हें स्नान करवाने आई, रानी सुरजा बिमला का आदर है संजा का, जाओ आज दीपावली का टाइम मंजा को स्नान करवा के आओ। बहन बोलो स्नान स्नान मुझे करवाना तो करवा देना, बिल्कुल जाओ खाते खाते मेरा पेट घायल हो गया है बहन, ओ मेरे पेट में मत हाथ लगाना, ठीक है बहन, ठीक है बहन, बैठ जाओ तुम्हें स्नान करवा दो। अरे नहबाई दे बानी सागरा कैसो निर्मल नहबाई रही बानी, कैसो निर्मल पानी बानी, कैसो निर्मल पानी नावाई रही बांदी सागरा कैसो निर्मल पानी, नावाई रही बांदी लहंगा भीगे बांदी भीगे जान बेरी, लहंगा भीगे बांदी ना भीगे मेरो गंगरा कैसो निर्मल पानी, नवाई जाए मेरो नवाई रही बाती सागरा कैसो निर्मल पानी, नवाई रही बाती मैं तो जान गई रे भैया मंजा क्रम धुन हो चुकी है। बहन आपने जानी और मैंने जानी क्या जान गई हो, हाँ तुम क्रम धुन हो चुकी हो, तुमने गजब कर दी। सुनो बहन मेरी बात बोलो, अरे जो रही हाथ करई मेरी बड़ी बहनिया, हाँ बहनी तीसर न बतिया कोई जा नहीं, बोलो पानी में हगी है उतर ही नहीं करी, अरे तो तुम बहनी बतिया करी है उतरी वो नहीं बतिया, मेरी बात कमलिया नरवरवा, अरे बात तो हो नहीं करबो बहना हम जिक्र कर दीबो जय बतिया नहीं कोई कहबो, अरे जिक्र चलाना बताना बहनी जाए कई बात आई तुम्हारी दिल की बतिया बताऊती काहे बात का
हमको चुनाव बताइए। अरे रोई रोई बंजा बोलना लगी मेरी सुरजा वहीनी मतलब बड़ी लड़ाई थी मेरी वहीनी। अरे कर्म काल का गर्व से आई तुम बहनी सुन ले बहनी बतिया कोई न जाना ही। ओ अब अरे जब यहाँ से फुट जाए ही पेड़ो फिर कुल्हारी सुनाई काटे कटी। अब मैं सभी बहन राय मिलाएंगे इस राण को जल्दी मरवाएंगे। अरे याई को सैया कब कर जा रही जा सुन जा वैनी मेरी बात न मानी महलवा। बैठ जाओ मैं जा रहे मैं महल में। हाँ आपकी कितनी तनख्वाह है भाई? 950 वाली बात तेरी दूनी तलब कर आई तू भी बहनी माला माल बनाई दूंगी तो मुख से कही दे ओ बहनी तू मुख से कही दे ओ बहनी तू कितनी न कहूं चलाओ बहनी सूबेदार बनाई दूंगी बहनी सूबेदार बनाई दूंगी। और रामानंद तुम अंदर हुई कुशवाहाब जय केवल पुर के रहैया इनके बीस रुपया रामानंद भैया दे नहीं कहीं जिक्र चलाऊंगा बताना मत बहन कहीं नहीं बताऊंगा। बैठ जाओ मैं गले का हार व्रत में दे सकती हूँ। ठीक है बैठ जाओ मैं जा रही है अभी देखिए सब रानियों से जिक्र करूंगा सबको बताऊंगा। ए संजा सुरजा बबला इधर आ जाओ। कहिए बहन क्या बात है? ये रानी क्या है संजा बिमला सर आई अय्या बात रो फाटी परो का हुई गो आई चपरो हुई गो आई का बादल फाटी तो का हुई गो मंझा गरम से हो चुकी है आई गरम से हुई गई। रामदेव भैया केवलपुर के 10 रुपया हम तुम्हारी कदर खत्म मंजा गर्म से हो चुकी कैसे कदर नहीं होते सफाई कर्मचारी लगी पड़ी है मीडिया वैसे सफाई कर्मचारी बचाए लगी जाती। हाँ अब क्या करोगी बहन? अब का करियो हम बता मैं कब टिकट खोलू बहन मीडिया। अरे बता बहिनी गजब हुई गई जरा मैं ऐसी आवई हाँ उस मंझक जो बालक हुई ही हाँ। अरे जो मंझा बालक नरवर जन्मई हमारी कदर उनाई बहनी अब तो जिंदगी माँ हुई ही। अरे भाई जो पेड़ो महीना अन्ना से खुद गई फिर काटे कुल्हारी सलाई कटी। अरे कुछ तो उपाय मेरी बहनी बता बहू हायती मंझा का बहनी जानत दे मरवाई। अरे गंगाधर ज्ञानी का बोलना बहू मेरी बहनी लड़ाई थी ऐको रणिया को मेरे भाषण कर बाबू। अरे अब है बोलई बो ज्ञानी का मनु मनती नहीं ऐको मंज को बने भाषण कर भाई बो। अब है भेद खोला बो रणिया हाथ कतलु कमा बो ये
जा कक्का गंगाधर को, हाँ गंगाधर जानी को बुला के लाओ। ठीक है बहन मैं जा रही जल्दी से बुला, साथ में लेके आई हूं पंडित महाराज, बहुत जल्दी ले आओ। ठीक है सब फाटक बंद कर देना, काका आ जाओ तब। हेलो जय आ गए भैया, ये आ गए भैया राकेश, ये धर्मपुर के निवासी, ये 20 रुपए बिहार करते हैं भाई साहब को नमस्कार। बेटा धर्मपुर के धर्मी आदमी है और उनका नाम राकेश। ओ पंडित महाराज, पंडित काका, ओ पंडित काका आ गए। अरे पहले फाटक बंद कर दे, एक कुर्सी आज सेवा करो, सेवा करो, सेवा करेगी दही लिया पहले सक्कर डाली, दही लिया में सक्कर डाली गदगदाऊंगा बालो बाद में लाओ, सेवा करो, सेवा 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 करो, सेवा 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 हमारी छाड़ी वही देख बुढ़ाई कटे तो ही पर तो है कटे हमारी रात ही भरना ही देख। अरे दही लेकर के आओ, भाई साहब को नमस्कार। मुंह खोलो पक्का, औतन नबाई लो, औतन नबाई लो, नहीं अब नहीं, दरी को नबाई लो, नहीं नहीं कक्का खाई लो, कोई परेशानी नहीं लगी, कोई बात की परेशानी नहीं, अब कोई चीज की तुम्हें परेशानी हुई चुप पाई हम पर कहियो सब काम बने। कक्का कक्का अब कोई कमी ना है, कोई बात की कमी नहीं। रानियो महाराज कक्का कुशल क्षेम निर्मल की बहुत अच्छी, कुशल क्षेम बहुत बढ़िया कक्का, हम बहुत आसो हमारो पेटी कोट बहुत भीज कक्का, ये मैं पत्र में क्या देख सकता हूँ, अहिमा कुशल क्षेम देखा नरबर की, कुशल क्षेम देखा नरबर की, कुशल क्षेम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, हाँ का अच्छी है, तुम 101 रानिया हो, हाँ हाँ किसी के गर्भ से लड़के की उत्पत्ति होने वाली है, उरी रंडी अपनो पेट चटो, तुम्हारा देखो तुम्हारे को लगा, हमारे पेट में कुछ ना है, हमारे पेट में तो सो चलो गो, हाय बिटिया तेरो पेट कुछ लगा थी के बिटिया तुम्हारे को कुछ ना है, हमारे को कुछ ना है, कक्का जय आ गए भैया राजेंद्र भक्त, ऐसी का निवासी, 20 रुपए ब्याह करते हैं भाई साहब को नमस्कार। कौन राजेंद्र भक्त, क्या भाई नारियल राजेंद्र भगत कक्का, जब देखो कह के खुशी होने वाली, गैया बछरा के भैंसिया के बिलैया कुतिया कह के का रानी आई, रानी के कौन रानी होता, ये कौन ना होता चले बैर उठनती हमारे तो कुछ होना है, ये आ गए भैया सिया, ये आ गए भैया सिया राम, ऐसी निवासी ब्याह करते हैं भाइयों का नमस्कार। कक्का जल्दी 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 कक्का हमारे आगे पड़ी, जल्दी जल्दी आगे भेजो रचन सती गहरा भाई बात हौरा के बीच, हाँ सुंदर लल
जन्म आईगो चपरो हुई गो तुम्हारो सब को मिट जाएगी अरे लागे लगाएगो खुशी करेंगे ले पंडित ज्ञानी आई खुशी का जल्दी में जाओ अरे पैदा लल्ला नरबर हो तुम परम मौसी मौसी आई कई के लला देखो केराई आगे लगाई ही मौसी पर और मौसा पर समझ दे अरे सौ सौ रुपया ये प्रभु चोरा तो तिलको दे वो जाप कर ही जे थलिया हुई गई तो क्या करूं मैं अरे खुशी मेट दे नवरत्न में ज्ञानी पंडित का तुम्हें मुरहनु मौत आई गई अरे सौ सौ कहिया एकर मालाई तुम नारी नवेली आई खुशी न मेटी जा जाई अरे राज में मेटियो तो जसल लई मेरे पंडित ज्ञानी नई चवर न खुशी में तो भईबो अरे चव से प्याही के दुखिया आई सुख जानो न आई दुखई मचा महा काटो अरे जोले तुम्हें कमर बेयो पेटी को तुम नारा खोलो कहो हमारी बाजी भागदारी नहीं कहो कर ही मेरे बात प्रेमियों चारों तरफ से फाटक बंद कर लिए रानियों ने बजनाए भाई भाव पंडित अंदर फंसे पते लाए हमारी चड्डी भागदारी तो प्रेमियों पंडित जी ने विचार किया ये रानियां हैं अगर राजा से शिकायत कर दी कि मेरे साथ में पंडित घर में घुस करके दुर्व्यवहार कर रहा है मेरी सोली चढ़ जाएगी मेरी पंडिताएं रो रो के मर जाएंगी क्या बता मैं फिर वनवास हूं कैसे करो जाए वनवास कसम खाओ पंडिताएं ने कसम खाओ और कहो जनो नाई तार सात भागे भागे मैं अभी एक बात तुम्हें और समझाता हूँ बताबो कक्का बताबो इतनी गरीब फरिया दीबो कमी पर सो लियो और चुकुर रंगो हो बोल लेके जाओ ही अंत अरे मरे भूत अन्यायी पापी पाखंडी चंडाल मरे सबसे पहले वही मरे जो दगा किसी के साथ करे ये बातें बजे वाले देखी पंचायत करे बस्या तो मर जाई यार जो नाचत गापत शर्म करे यादरी राम मूर्ति भैया जी चक से आए हुए हैं 50 रुपए का व्यवहार दिया है पार्टी तरफ से धन्यवाद एक केदार भैया जी इसी गांव निवासी 10 रुपए का व्यवहार दिया है पार्टी तरफ से धन्यवाद ना मानो करके देखो जिन लोगों ने दगा किया है उनके घर चल कर देखो
चारों तरफ से फाटक बंद, फाटक बंद है काका। प्रेमियों मरता नहीं तो करता क्या? लड़के क्या बड़े बड़े कुल्हड़िया खड़ा खड़ा रहा है, होने वाली है। ले आओ राजवीर गुरदास, ये 10 रुपया दो है तेरे भैया राजवीर। ला लो गठरिया उठवाओ, कल 12 बजे बनवास करूंगा। 12 नहीं 7 बजे बाद सवेरे बनवास हो जाए, सज्जन निकल के पहले 12 बजे कर पे वो नहीं हम आप है करवाई ही रेल बनी है। चलो ठीक कल कर दूंगा 7 बजे। हाँ अब आए जगह पर गंसुआ कसम खाई ले। हाँ जनाओ ना हमारी तात कही हो। हाँ कहो पंडित नहीं। हाँ ये सरजू कुशवाहा, सरजू कुशवाहा केवलपुर निवासी, 20 रुपया दो। हाँ ला ला गिठरिया ला, अरे पक्का थोड़ा निकाल ले ढेर भाई। अरे तो चाहता जज जी जाओ। अरे नहीं संभाल लो ढेर, जाओ जाओ पक्का जाओ। और जा टपट करवाई लियो भला। और फिर जाओ भाई, ये तो फिर तुम्हें घर माती ही कमी नहीं पन दी जो मंगियो सो दीबो तुम्हें। हम कायल है भाई चादरिया चलती दरिया, हम कायल है भाई चादरिया चलती दरिया। इंसान की जीव आत्मा खत्म निकल जाती है शरीर से, दौलत माल खजाना प्रेमियों कुछ नहीं साथ जाता है, वही साथ जाता है जिसे कफन बोलते हैं। हम कौन है भाई चादरिया चलती दरिया, हरे हरे बचाए लई हरे हरे ढूंढतिए कर सरिया चलती दरिया, ढूंढतिए कर सरिया। चारी चले लई मिलिया चले हई, चारी चले लई शिशुपति जाती डगरिया चलती दरिया। कन्हैया भैया जी रामनगर निवासी, इस भजन के खुश होकर के 20 रुपए का व्यवहार दिया है पार्टी तरफ से, धन्यवाद। आई उतारी
धरो मर घट में जाई ढूंढती चलन लकड़िया जलाती दरिया ढूंढती चलन लकड़िया जलाती दरिया जारी बारी कैला करदारो बात में ढूंढती है कपसरिया जलाती दरिया बारा मैया जी इसी गल निवासी अभी समय का व्यवहार दिया है नेकरा मैया खेरे पर के निवासी ये 20 रुपए का व्यवहार दिया पंडित जी जा रहे हैं हेलो पाप की गठरिया लेकर के अरे पाप की गठरिया वैज्ञानी अपने सर पैरा के रामदेव दुकानदार एक केवल पूरी तब से दस पर हर करते हैं पार्टी धनवा दे देख रही होगी मेरे पंडित अभी तक नहीं आए आज गरुई के थरिया लेकर के ज्ञानी पंडित पहुंच जाते हैं काशीपुरी के चारी तरफ महलान के घूमे अरे सुखपाल सिंह कुशवाहा जी तुम फेरी तुम से 20 रुपए उधार करते हैं पार्टी धन्यवाद दे आ गए हुए राम नरेश प्रधान जी एक गुटका निवासी साके रोड में 20 रुपए में होते हैं भाई साहब को नमस्कार हमारे महाराज अभी तक नहीं आए हैं पता नहीं कहाँ कथा करते घूम रहे हैं और यहाँ अकेले हम पर रहो ना जाते अरे कौन है अरे यहाँ आगे पुत गए बाकी न रह गए हाय पंडित महाराज आए गए अच्छा ठहर जा महाराज के महाराज का चोरी कर ले कौन का रोज बहुत तनी तन वाल को कहा तो जो मिलगो कब नमक मिर्चा रोटी आज मत दही रबड़ी मैं सब भरो परो है ठहर जा रहे हैं मर यही से फिर इधर घूमो महाराज और कैता वलमा डकैती
दारी बताबो जरूर वाला माँ पूछे नारी तुम्हारी चोरी कर लाए ललिया पूछे तुम्हारी बलमा दिल की बतिया बताओ के महाराज क्या उस बेचारी सती का वनवास लिख दिया महाराज। आज हमारे घर के अंदर कदम ना रखिएगा, ठहर जाओ। अरे तुम का पलमुआ शरम नहीं आई कछु रखो नहीं वही दुखिया को वनवास लिख दो मौत नहीं आई तुम्हें तुमने कर गई उतर भाई दूर खड़े हाथ पर खून करिया हो अरे गुस्सा चाय बदल गई बलमा हम तुम जान से मरियो हम तुम्हारी काटी सर भेंट लगाई हुए दस ग्यारह में तुम्हें शराब बनाई आई लुच्चक हो केवल की तरफ से एक 50 रुपये व्यवहार है पार्टी भिजवा दे रहे अरे दुख की मारी मंजा बेचारी होई को कोई नहीं बिरना कोई जगत मां नहीं तुमने तो हजरा नो तुम्हारी का ठीक है तेरे भेंट लगा भाई दहते तेरे नाक में मुरहा कुत्ता बीचे देखो उतनी भली मेहरुआ को बने बात लिख दो तुम्हें जो मार घर देख लियो अच्छा कठरी होने चले यार जय जंती हुई पंडित बुढ़ाई गए अब भाई नहीं मत पता ही ना है ना ये गठरी पापा कहां ले यार जंती हो बुढ़ाई गए हां अब चा छडाड़ी चली मेरा वर का मौत ले भगत का मौत ले हमने तुम पर कहा आदमी की बात मेरुआ डांट दे समझ लो बेकार हमने तुम पर कही कि ठरिया तुम उतर भाई आई गठरिया पतला पर अब दहजन क्यों खानो तेरी मुरहा की लाठी होए तुम ही चबाई लियो दहजो दे ले पंडित पंडित कांचा खुल गए खोली भाई नहीं दहेज रहे हो तो बस सोध पर तुम्हारा घर था धरी को दहेज रहे हो अत सीधी सादी मेहरुआ बेचारे हुको बने बात लिख दो रुक ना जाए हमारी राय क्यों धर के पेट पर ला तू मैं तुम जनती उतर भैया तुम्हारो का कर लियो का कर लियो हाँ तुम्हारो का कर दहेज हाँ तो सब कुछ कर लियो तुम तो मार डरी पेटे सारा जोर तो ना लगी पंडित आए नहीं तुम हटे जाओ पंडित ने तो बने हमें पटकी तो सही बात मजा आ गई था कब आई दादा तो बात ही उतरी गई रही यार पंडित आए नहीं हाँ देखा चाहता ठाकुर लोगन की बात राजा लोगन की बात भाई हाँ। अंदर गए हाँ। सभी रानियों ने अंदर फाटक बंद कर लिए बंद कर लिया फिर फाटक बंद कर लिए और कही पंडित सती को बनवास कराओ तो हमने कही नाई कही उनने कही जो पंडित दही और मारो पेटी कोट खोल दही चौथे की तो मान ना जाओ दही
हमें मालूम है हमें चपरे में चूतिया बना दे भैया। दहजरन तुम्हारा तो छिनरा कौन हुई ही पूरे हिंदुस्तान में, अपने मन से हुआ गे हुई है। तो मान ना जा तो बता दी भेट ना लगा दहजरन तेरी मुरा तो सारा बनाया है। इन्हें हमारा घूंसा मारो मौका फिर तुम्हें छोड़ो कैसे आओ ना कैसे दो खाई गए तुम मारो हाँ खाई गए तुम मारो मारो कुछ हो तुम्हारी मौत ले लो घूमती है हम का जा लोरू मारी बदनामी करती आज खून पेली वो लगा के चटुआ बना कैसे आम तो फिर तेरे को तुम्हें बता तुम्हें मान ना तो खान ना तो चबाई ना लोग कोई आई दे तमाशा बज ही जान लो तुम जा तमाशा में हमने पिटी गए प्यारी उन रानी ने तुम्हें कैसे आने दिया पहले बता मुझे कोई उपाय बताइए देखो जा हमारी तुम्हारी बात मनाई में हुआ की बात है समझे वो बात और कसम खाया है लड़का खाया है तुम्हारी कसम खाई दैया दहजरन को सुना रखो हमारी कसम खाई लड़े की कसम खाई है लड़का कसम खाई दहजरन ने कही कि कसम खाओ तेरी मुरहा की नादी भरे बादन बिजली गई करिया दसई मर जाओ दहजरन तुम लटक राव भूल लो तुम कल ले मरिया आज मर जाओ दहजरन तू हमारी कसम ललिका कसम तू मैं तेरी वो मुरहा आबो दई लाठी लाओ लाठी लाओ दहजरा उनु देखो एक चिमटा मर फट भयो तहजो देता हूं ललिका कसम खाई है अकेले ललिका और हमारी अरे दहजरा तू लता की रहो बूढ़ी रहो तू मर जाइयो बटवा स्वादी फट दियो बदल तो इतिहास बदला लिए लड़का मत जाई हम तुम दोनों जने बने रही 50 लड़का हुई प्यारी उपाय बताइए ताकि कैसे हम हमारी तुम्हारी सोली बचेगी क्योंकि वनवास भी करना है अगर वनवास नहीं करते हैं तो रानियां सभी झूठा झूठा दोष लगाएंगी एभिवासी है महाराज चलो ठीक मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ कौन सी नमक और मिर्चा सही कहा पंडिताइन पंडिताइन होशियार थी पढ़ी लिखी थी उसने कहा इतना धन दौलत मिला है आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे सही बात अगर आंसू न निकले नमक मिर्चा थोड़ा थोड़ा डाल लेना जब आंखें मिर्चा लगी तब तो आंसू चलने लगी अगर पंडित पूछ वो महाराज पूछे पंडित जी क्यों रो रहे हो आखिर क्या बात है उनसे मुझे कहें तुम्हारी रानी वो पेट आया बच्चा ना वो दानो है अब फिर भी नहीं माने हाँ तो क्या करें अगर फिर भी नहीं माने तो जो पांच वीर है कौन चीज पांच वीर तुम्हारे तिरवाले जी हाँ जादूगर में आई मेहरुआ मारी ऐसी बात ना ही पांच वीर सब पढ़ के और महाराज के ऊपर डाल देना ठीक अकल सब बात मान लगे हैं जो कुछ कहे सो मने हैं शाबाश शाबाश हम मेहरुआ बहुत सती बरता है पति बरता पति बरता हूँ हमारी के हैं इसीलिए कहा गया है प्रेमियों नारी नित्या ना करे नारी नरकी खान नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान बैठो पति महाराज अब सुनो हाँ तुम तले तले घरे में रहियो गुंजियो जियो ना कोई बुलाओ ना भाई ठीक जाओ ठीक महाराज जवाना सारो गलत है मेरे अपने बहु तुम डुकाई छपाई के रखा आज पंडित जी ने पांच बीर हाथ में लिए नमक मिर्चा की पुड़िया बांध ली खूंट में कहा जा रहे हैं महाराज के दरबार को अरे बांस की बसुरिया
तो कौचाना तिहाई तेरी गाठ गाठ मई सब राग भरो तुम्हारी जो का घड़ा रही थी वो गर्भवती हो गई है मंजापति। हाँ पंडित तलक मरे कौआ मेरा नाम चल खुशी मनाई बहु पुत्र मुगलिया है दानो यारे ऐसे पंडित ओ तिराई स्त्री बच्चा करे पैदा पुत्र मुगलिया रही जन्मई अरे पैदा लल्ला है नर बर नर बर जई ही खाई का कोई कला जन्न पई लगाई दे पंडित हमारी ललिया बच जाई लल्ला पैदा पूरा नरबर खा जाएगा जब किसी को नहीं पाएगा महाराज तो तुमको भी एक दिन चबा डालेगा। अरे बड़ी मुसीबत प्यारी देली पति पर लल्ला पैदा जंगल बीच तुम कतल कराई दे क्या बताया मंझा का कत्ले आम करवा दीजिए जंगल में यही एक उपाय है तो मंझा बच सकती है। यारे भाजी ना पाई हाँ मेरा बंगला ते हमारा लिया ते पहले तेरी भेंट ते पंडित लगाई अरे करम काल का मंजा पति मेरी गर्म सबाई दुखिया सो मेरी घर से निकाला
मंजाई भेजी बनाए सुनी तुम्हारी चढ़ाई दो दूसरा भाग सुनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।